उधर लखीमपुर खीरी में कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। दरअसल जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि धीरज गुर्जर ने जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन और निंदा प्रस्ताव के निर्देश दिए। धीरज गुर्जर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। इसमें कहा गया है कि धीरज गुर्जर जिलाध्यक्षों पर दबाव बनाकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करा रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने धीरज गुर्जर की दबंगई से परेशान होकर इस्तीफे की चेतावनी दी है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने मजबूरी में जितिन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। ये मामला 23 नेताओं के लेटर बम को लेकर है। इस मामले को लेकर जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसका अहम हिस्सा हम आपको अभी सुनवाते हैं। हेलो जी चाचा, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। बता भैया, और कैसे हैं आप? कैसे होना है, बर्बाद है। क्या हो गया? क्या ये रहा है? ये सब धीरज गुर्जर प्रियंका गांधी जो भी करवा दें ठीक ही है। हम क्या कर सकते बेटा, हम जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिला अध्यक्ष हैं, हमें जहाँ मुर्गा बनी होता बन जाइए। हम निंदा प्रस्ताव वही 23 लोगों के खिलाफ वाला था। अच्छा अच्छा। और निंदा प्रस्ताव ये लोग ऊपर लिख के भेजे, धीरज गुर्जर ने भेजा। हाँ। उसमें कुछ लाइनें हटाने वाली थी, हमने कहा हम इस पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। 3 बार हटवाएंगे लाइनें भाई, और गंगवार जी प्रभारी हैं उन पर भी तलवार लटकाई गई, हम लोगों पर भी एकदम से उस मतलब थोड़ी सी कमी मंत्री जी की ये रही। ये लोग पत्ता नहीं खोलते, बात भी नहीं करते, हम लोगों से बताते भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो हम इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं, बात ये है भैया समझ लो, जिलाध्यक्षी छोड़ देंगे और क्या करना। इन परिस्थितियों में हम कैसे अध्यक्ष बेटा बन पाएंगे? नहीं चाचा, आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं जी। हम कार्यालय में मतलब ये कार्यालय में नारेबाजी कैसे हो गई? नारेबाजी ऐसे हो गई, जब सारी कार्यक्रम हो गया तो वो ये इसने का नाम ये जो तुम्हारा है सूरज सिंह जी जी उपाध्यक्ष, इसको हाँ उपाध्यक्ष जिसको बना दिया, हमारी बगैर अनुमति से बना उपाध्यक्ष है। और रवि तिवारी, इन दोनों की प्लानिंग थी। ये अजर्रा घर में अजर्रा बारी में घुस आए, जब पलिया के लोग चले गए निगाह से, पहली बात हमने किसी को बुलाया नहीं, किसी को नहीं, आपने देखा होगा हमारा कोई मैसेज ही नहीं है जी, हमने ना बुलाया किसी को, इन्हीं के लोग बुलाए जिन्होंने सोचा जब डीसीसी पूरी नहीं हो पाएगी तो इसने कुछ लेबर टाइप आदमी बुला लिया 10-12-15-20-25 ठीक। अब वो पीछे गेट घुस करके अजर्रा नारेबाजी, जब तक हम लोग मना करते तब तक वो वीडियो बना के उन्होंने वायरल, सूरज सिंह ने भाई वीडियो बनाया, सूरज सिंह ने डाला। अब या तो धीरज गुर्जर अपना उत्तर प्रदेश संभाल ले या तो हम लोग तो हम तो बेकार। अब भाई देखिए, हम माननीय मंत्री जी के खिलाफ भी हमने निंदा प्रस्ताव लिख दिया, चलो उस पर हाईकमान अपना निर्णय करे ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है हाईकमान क्या करना, मंत्री जी को खुद ही मालूम होगा क्या करना क्या नहीं करना। चलो वो तो एक अलग की बात है, मंत्री के निर्णय के बाद हमारा निर्णय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक। लेकिन इस प्रकार की गंदगी कांग्रेस में रहेगी तो कांग्रेस कहाँ खड़ी हो पाएगी? प्रश्न ये उठता है, नकवी जी जो कराएंगे वही जिला में होगा क्या? बात यह है, अभी परसों हम लखनऊ गए थे प्रदेश कार्यालय जी, तो वहाँ नकवी जी थे, सैफ अली नकवी। हम्म। तो वहाँ पर मतलब इस तरीके से लग रहा था कांग्रेस उनके बाप की है। हाँ ऐसे ही करता है भाई, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है।